हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। द्रौपदी मुर्मू ने ली देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ। जी हां, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की है। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। देश की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था। बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेताओं को ईरानी ने भेजा कानूनी नोटिस। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेता डिसूजा को उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश के खिलाफ आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। इससे पहले ईरानी ने बेटी द्वारा गोवा में अवैध बार चलाने के दावों का खंडन किया था। ईरानी ने नेताओं से बिना शर्त लिखित माफी की मांग की है। सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के खिलाफ कांग्रेस 26 जुलाई को करेगी सत्याग्रह। जी हां, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 26 जुलाई को नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने पेश होंगी। इसके खिलाफ कांग्रेस ने उस दिन सत्याग्रह करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों, महासचिवों और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को दिल्ली में आयोजित होने वाले सत्याग्रह में भाग लेने को कहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार अलवा ने कहा, वोट के लिए पीएम मोदी को लिखूंगी पत्र। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य सांसदों को पत्र लिखकर उन्हें वोट देने के लिए कहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रही हूं जो मेरा समर्थन कर रहे हैं और उन मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगी जो मेरे समर्थन में नहीं हैं। राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, कहा जो अपने चाचा को नहीं संभाल पाए वो मुझे क्या संभालेंगे। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की दो टूक के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनका सपा से गठबंधन अब टूट चुका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव और भाभी अपर्णा यादव तक को संभाल नहीं पाए तो हमें कहां से संभालेंगे। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बने सुपरस्टार रजनीकांत। जी हां, 24 जुलाई को सुपरस्टार रजनीकांत को आयकर विभाग ने सम्मानित किया है। उन्हें तमिलनाडु में सबसे अधिक और सबसे शीघ्र करदाता के रूप में मान्यता दी गई है। उनकी बेटी ऐश्वर्या को भी 24 जुलाई को एक कार्यक्रम में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलीसाई सुंदर राजन ने पुरस्कार दिया है। रजनीकांत कई वर्षों से तमिलनाडु में सबसे अधिक भुगतान करने वाले अभिनेता भी हैं। कारगिल विजय दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा। जी हां, 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह कैसे संभव है कि बाबा अमरनाथ भारत में हैं और मां शारदा शक्ति LOC के पार हैं। रक्षा मंत्री कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां वो युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिवारों से मिले। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।